नागरिक अस्पताल प्रशासन अपनी कारगुजारियों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। अस्पताल प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन मरीजों को तमाम सुविधाएं देने का दावा करता है, लेकिन दावों और हकीकत में काफी अंतर होता है। दरअसल मामला नागरिक अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने का है। अस्पताल में ऑपरेशन करवाने वाले दाखिल मरीजों व वार्ड में दाखिल प्रसूताओं को अस्पताल की ओर से 2 टाइम का खाना दिया जाता है। खाना अस्पताल परिसर में बनी रसोई में तैयार किया जाता है। इस खाना बनाने में रसोई के पास गंदगी का आलम कुछ इस कदर है कि मच्छर और मक्खियों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है। रसोई के आसपास अस्पताल का कबाड़ रखा गया है। खाना तैयार करने वाली जगह पर खरपतवार व बड़ी बड़ी घास उगी हुई है और सफाई व्यवस्था तो रसोई के पास ना के बराबर है। ऐसे में मरीजों को परोसे जाने वाले खाने के आसपास मक्खियों का जमावड़ा लगा रहता है। रसोई के पास बदबू का आलम रहता है। ऐसे में गंदगी वाली जगह पर बना खाना खाकर मरीजों का क्या हाल होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में दाखिल मरीजों की सेहत को खराब करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। मरीज इस गंदगी वाली जगह पर बना खाना रखा कर किसी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। खासकर वार्ड में दाखिल प्रसूताओं को साफ सफाई की विशेष हिदायत डॉक्टरों की तरफ से दी जाती है, लेकिन जब वह गंदगी वाली जगह पर बना खाना खाएंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना तो रहेगी ही। मरीजों का खाना बनाने वाली कर्मियों का कहना है कि उनकी तरफ से कई बार गंदगी को लेकर अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस पर अपनी आंखें मूंदे हुए है। इस विषय पर जब नर्सिंग इंचार्ज से बात की गई तो उनका मानना था कि कर्मियों की ओर से गंदगी को लेकर शिकायत की गई और मामला उनके संज्ञान में है। शीघ्र ही मरीजों के खाना पकाने वाली रसोई का स्थान यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा।